एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक पर छापा मारा गया। संयुक्त निदेशक के 6 ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर एसीबी की यह कार्रवाई देखी गई। निदेशक के परिजनों पर एसीबी की यह छापेमार कार्रवाई हुई है। एसीबी की टीम को कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मामला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक पर यह शिकंजा कसा है। संयुक्त निदेशक के 6 ठिकानों पर टीम ने छापेमारी की है। संयुक्त निदेशक के परिजनों के खिलाफ भी यह कार्रवाई की गई है और एसीबी की टीम को कई अहम दस्तावेज भी इस दौरान बरामद हुए हैं। समाज कल्याण विभाग के निदेशक के खिलाफ ये कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला सामने आया है और एसीबी की कार्रवाई, संयुक्त निदेशक के घर और दफ्तर पर ये छापा मारा गया है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षा जी, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है, ये बड़ा एक्शन है? देखिए बिल्कुल, ये जो जॉइंट डायरेक्टर थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पहाड़िया जी, इनके घर पे 6 जगहों पर, इनके जो 6 जगह हैं इनके लोकेशन पे, यहाँ पर कल छापे मारे थे और रात तक तलाशी जारी थी। इसमें ये कंप्लेंट आई थी कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, मतलब आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने की ये आई थी खबर इनके पास। और इनके घर पे जो इन्होंने जो 6 जगह हैं जहाँ पर ये छापे हुए हैं, सांगानेर, आमेर, मालवीय नगर पे जहाँ हुआ है, जगतपुरा इनके घर पे भी हुआ था, तो वहाँ पर बताया जाता है एसीबी के द्वारा कि यहाँ पर 36 इनके पास कृषि भूखंड और प्लॉट्स के दस्तावेज थे। और इनके पास जो जगतपुरा में जो एनआरआई कॉलोनी में इनका मकान है, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि ये 3.5 करोड़ का था, जबकि ये 90 लाख का बता रखा था। साथ ही 8 लाख के आभूषण वगैरह मिले हैं ज्वेलरी, मतलब उनके लॉकर में। और देर रात तक यहाँ पर कार्रवाई जारी थी, लेकिन जो शॉपिंग के और इस टाइप के जो भूखंड है इनके, मतलब कमर्शियल भूखंड है, वो काफी ज्यादा मिले हैं। और इनके मतलब करीब 36 तो इनके और इनके परिवार वालों के नाम पे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्षा जी इस पर जानकारी देने के लिए।